9 जनवरी 2023 को इंदौर में 17वां इंडियन डायस्पोरा यानी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन होने वाला है। इसकी महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन प्रवासियों का स्वागत भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये इंडियन डायस्पोरा है क्या और उन्हें इतनी महत्व क्यों दी जा रही है? इंडियन डायस्पोरा उन भारतीयों को कहते हैं जो किसी वजह से भारत से बाहर जाकर रह रहे हैं। पहले इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, दूसरा PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और तीसरा OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। साल 2015 में PIO और OCI को मर्ज कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद के मुताबिक 1 जनवरी 2015 से 30 दिसंबर 2021 के बीच करीब 9 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया, यानी हर रोज करीब 350 भारतीय देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सबसे अधिक देशों में 3.2 करोड़ इंडियन रहते हैं। इस दुनिया के 3 देशों में ब्रिटेन, पुर्तगाल और आयरलैंड में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन में ऋषि सुनक, आयरलैंड में लियो वराडकर और पुर्तगाल में एंटोनियो कोस्टा। इसके साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी इंडियन डायस्पोरा में आती हैं। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रकाश संतोषी भी भारतीय मूल के हैं। वहीं लगभग 30 देशों में 250 से ज्यादा सांसद भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा दुनिया के टॉप फॉर्च्यूनर 500 कंपनियों के 12% CEO भी इंडियन डायस्पोरा में आते हैं। रही बात इम्पोर्टेंस की, तो इंडियन डायस्पोरा भारत के हितों की बातों को विदेश में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। साल 2000 में इंडियन डायस्पोरा ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते कराने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा देश के विकास में भी अपनी कमाई का एक हिस्सा भारत में भेजकर काफी हद तक मदद करते हैं। सिर्फ साल 2022 में इंडियन डायस्पोरा ने करीब 826 करोड़ रुपए भेजे थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन क्यों किया जाता है? तो इसका उद्देश्य है भारत को दुनिया के सामने लाने का एक स्टेज प्रदान करना, विदेशों में भारतीयों का नेटवर्क और भारतवासियों से जुड़ना और युवकों को जोड़ना। प्रश्न ये उठता है कि आखिर 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साल 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसी वजह से हर साल 9 जनवरी को भारतीय सरकार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करवाती है। इसी प्रकार के वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।